पहले आप सभी को मेरी ओर से प्यार है। नमस्ते, मैं अंजू देवी पटेल आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में एक शानदार ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत पहले मैं खूबसूरत शहर मुंबई से, टाइम हो रहा है सुबह का 11:30 होने वाला है। नाश्ता नुश्ता बना है, उसके बाद में थोड़ा बैठी थी, तब से थोड़ा रिलैक्स किया। आज बच्चों का छुट्टी पड़ गया, आज से यानी 29 तारीख से 11 तारीख को जाना है। 12-14 दिन की छुट्टी पड़ी, आराम से ऐस करें। बच्चे की रात खाना बनाया किसी ने नहीं खाया क्योंकि बाहर गए थे, बाहर से खाए खाना खा के आए। तो मैंने दोपहर को कल भात नहीं बनाया था, तो रात को भात बनाया, दाल बनाया, कटहल की भाजी बनाई, बहुत दिन से इच्छा थी वो बनाई, लेकिन खाने वाले बोलते हमको चाहिए नहीं, तो चेक करना था। मैंने गुड़िया ने खाया थोड़ा सा, अभी क्या किया मैंने रोटी बनाई, थोड़ा भाजी बनाई, जो कल का भात बचा था रात का भात को फ्राई करा मैं मंचूरियन क्या बोलती हूँ उसको, शेजवान चटनी के साथ जीरा राइस बनाया, दाल में तड़का लगाया, मैंने और गुड़िया ने वही खाया। गोभी बंद गोभी, फूल गोभी की भाजी और बीन्स की भाजी, दो प्रकार की भाजी रोटी बनाई थी मैंने, लेकिन हमने भात ही खाया। लोग तो भात को कितना कहाँ बर्बाद करो इतना, एक मिनट। तो मैंने गुड़िया ने भात खा लिया, मैं तो भात खा के मेरे को तकलीफ होती, लेकिन फेंको कितना हम के लिए इतना कर रहे, मैंने बोला नहीं। तो मैंने गुड़िया ने वो भात खाया, अभी थोड़ा सा बचा है जल्दी परवेश के लिए, आटा भी पड़ा है इसलिए मैंने भाजी बनाई। ये बंद गोभी फूल गोभी 1-1.5 हफ्ता हो गया उसको ला के फ्रीज में, बनाए नहीं, बनाने का टाइम ही नहीं हो रहा क्योंकि उतना टाइम नहीं, 2-3 दिन भाजी में कब तक बनाओ। आज मैंने बस बना देती हूँ, ये दोनों अभी सोए हैं, जगदीश परवेश सोई है, मैंने जब तक ये उठे नहीं तब तक इनको उठाना नहीं, अपने आप उठते हैं। तो भाजी पड़ी है, आटा भी पड़ा है, भात भी है, दाल भी है, दोपहर के लिए इनके लिए हो जाता है, भाई एक जन के लिए खाने बनाना है। देखती हूँ अभी पहले मेरे गुड़िया का जो नाश्ता किया था हमने वो बर्तन इधर पड़े हैं, बाकी बर्तन मैंने सब धो दिए थे। खुशी ने भी अपना बर्तन इधर रखा, मेरा भी, मैंने बोला पहले इनको धो लेती हूँ, उसके बाद जो कपड़े धोए थे उनको सुखाने के लिए डालना है। तब दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी पहली वीडियो आ रही है यानी कि कॉमेडी वीडियो आ रही है, इस पर जो लॉन्ग वीडियो वाला चैनल है उसे कॉमेडी वीडियो भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है खूब ढेर सारा प्यार दे, देखें और मज़ा लें, आप भी बहुत अच्छा लगेगा, सपोर्ट करो। दूसरा चैनल है मेरा अंजू देवी बुटोला विथ शॉर्ट, अंजू देवी बुटोला विथ शॉर्ट, उस पर सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है उनको भी देखें, ढेर सारा प्यार दें और सपोर्ट करें, क्योंकि आप प्यार देंगे सपोर्ट करेंगे तो और अच्छी अच्छी वीडियो आएगी। तो चलो बने रहे वीडियो में, पहले मैं इसको धोती हूँ, उसके बाद फिर मेरे को किचन में आना है। पानी 12 बजे तक आ रहा था, अभी 11:30 होने वाला है, तो फुल पानी आ रहा है। इधर मैंने ड्रम रखा है दिन भर के लिए, सिंक के लिए, ये था वाशिंग मशीन के लिए, लेकिन वाशिंग मशीन लेके नहीं आए मैं, मैंने जाने दी वाशिंग में, हाथ सही धोती हुए कपड़े वाशिंग मशीन का क्या करना, फिर किचन में नहीं धोते हैं हमारे वक्त ख़राब मानते हैं, वाशिंग मशीन किचन में रखना। तो पानी आ रहा है, कल मैंने पूरी किचन की सफाई के लिए यहाँ से दिखाती हूँ किचन, ये जाने थी मैंने परसों साफ कर लिए, ये ऊपर पूरे टाइल्स लगे हैं, दिखाती हूँ आपको। ये है ड्रम, ये दिन भर के लिए रखा रहता है क्योंकि यहाँ पे मैंने टंकी नहीं लगाई है, सिंक का ऊपर है, इधर एक्वा लगाया है, इधर जाली है, ये हमारे किचन में पूरे में टाइल्स लगे हैं। तो ये मैंने परसों घसे, और मेरे किचन के दोनों तरफ है चौका, ये सामने पे है बाथरूम, इधर ऊपर ये ड्रॉ बनाए हैं, इधर बर्तन वर्तन रखे, एक ये बनाया, ये भी मैंने कल घसा, इधर पूरा ही कल सफाई करी मैंने इधर की। यहाँ पर ये फ्रिज है, ये तो ये नीचे भी ये ड्रॉ बनाए हैं इधर, इधर से जाते हैं इधर को। मौसम का हाल बोले तो बाहर पूरी धूप लगी, फुल धूप लगी। दोस्तों आज मैंने सफाई करी है, कल भी सफाई करी थी, आज रूम और बाथरूम की सफाई हो रही है। ये बाथरूम ऊपर से बहुत गंदा हो गया था, पहले अभी तक मैंने इधर साबुन से घसा, उसके बाद ये मॉप से घसा, उसके बाद अब इससे घस रही हूँ क्योंकि अच्छा। तो पूछा इधर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो खाली ये कांच बच्चा है, उधर का फोटो सब निकाल दिया है, उधर ये पंखे के नीचे से, इधर पूरा मैंने साबुन से घसा। ये खिड़की इधर उधर
पूरा साफ किया मैंने, ऊपर साबुन से घसा, ये खाली मैंने ये रख दिया अभी खाली बाल्टी। ये दीवार है पूरी, मैंने साबुन से घसी, सब सामान मैंने बाहर निकाला। पंखा बाकी है, पंखे को बाद में करती हूँ। अरे ये देखो सामान, बच्चे एक भी हाथ लगाने वाले नहीं है सामान पर, सब मेरे को ही करना है। इसके बाद किया मैंने अभी तक बाथरूम साफ किया है, फिर बाथरूम के ऊपर छत पे भी ना पूरा गंदा हो गया था। नीचे तो बराबर साफ करती है लेकिन ऊपर कभी कभार होता है। ये हॉल, ये टाइल्स है, इधर पैसेज में, ये हमारा पैसेज है इधर से। ये दरवाज़ा मैंने अब भी करा साफ, सब मैंने साबुन से, मैं कम से कम 4:15 बजे से लगी हूँ सफाई करने। इधर हमारे पैसेज में पूरे टाइल्स हैं तो इधर मैंने कल किया साफ। ये बाहर हॉल है, हॉल में भी मैंने कल किया साफ। हमेशा बोलती हूँ ना खाने की क्लिप भूल जाती हूँ बनाने के लिए, क्या करूँ। दोपहर को खाली बच्चों ने खाया, जब खा लिया तब याद आ रही, मैंने अभी जाने दो। बाद में इसका बैटरी भी लो हो गया था। अभी उठी तो 4:15 बजे से लगी हूँ, पूरा रूम साफ किया, कल किचन किया और इधर पैसेज किया। अभी ये वाला अपना वाला रूम और इधर बाथरूम, ये वाला बाथरूम हमारे, ये रूम है बाथरूम, तो ये बाथरूम साफ़ किया मैंने। ऊपर से पूरी दीवारें घसी, दरवाज़ा घसा, हॉल मैंने परसों साफ कर दिया था। अब इतना सामान पड़ा है इधर, अब देखो कितनी रात होती है इसको संभालने के लिए, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना था लेकिन सब बाहर चले गए। खाली गुड़िया में, अगर मैं भी चली जाएगी तो चाबी तो मेरे पास है, वो बाहर ही रह जाएंगी, भगवान जाने कब तक आएंगे। जब वो आएंगे तभी जाएंगे हम। हेलो दोस्तों, आज गुड़िया चला रही है गाड़ी में, हम आ गए हैं डेली नीड के नाश्ते जा रहे हैं, हम इडली वड़े खाने खुशी जा रही है डोसा खाने के लिए, उसको डोसा खाना है तो मैंने बोला मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो ये खुशी है जो गाड़ी चला रही है, हो गया ये खुशी कर रही है फुल ड्राइव। जरूरी था ना खुशी को, नहीं तो इसको मालूम नहीं पड़ता ना कि मेरे को दिखा रही कि नहीं दिखा रही। धीरे से चल, घबरा नहीं, ठीक है, ड्राइव तू सीधा कर, तू सीधा चल, चल मैं नहीं पकड़ रही, चल बस। तेरे को नहीं बोल रही हूं। हाँ तू आगे चल या तू गिराना नहीं, तो मैं पीछे जा रही हूं। आगे खड्डे भी हैं रोड पे, जब कोई जा रहा होगा आगे से ना तो हॉर्न देने को होता है पीछे से। हाँ, यहाँ पर हमको थोड़ा भाजी भी लेनी है, दूध भी लेना है। पता नहीं भगवान जाने आज आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है कि मालूम नहीं मेरे को भी, क्यों ये झक झक कर रही है। तू बोल यहाँ से लेना है भाजी, तो मेरे को भी याद आया। यहाँ पर कौन सी भाजी की दुकान है तेरी? जय माता दी। फाइनली सुखी संपन्न हम यहाँ पे आ गए।